हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग विद आयुषी में। आज मैं आपके लिए नए डिज़ाइन से मटरी लेके आई हूँ। मटरियाँ तो सबको पसंद आती है, लेकिन उसमें अगर डिज़ाइन हो तो और ज़्यादा पसंद आती है। मेहमान को भी अगर आप सर्व करेंगे तो वो भी पूछेंगे कैसे बनाया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने एक कप मैंने मैदा लिया है, उसको हम छान लेते हैं। तो मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। आप कोई भी न्यूट्रल ऑयल डाल सकते हैं जिसमें कोई खुशबू ना हो। आप इसमें सरसों का तेल मत डालिएगा, वरना उससे स्मेल आ जाती है, बेकार लगता है। तो ये देखिए कप से मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अगर आप इसको नापेंगे तो 2 टेबल स्पून ऑयल है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और 1/4 चम्मच मैं इसमें अजवाइन डालूंगी। अब मैं दोनों हाथों से इसको हल्के हाथों से इसको मोइन करूंगी। मोइन करने से क्या होता है कि जो मटरी हमारी है वो खस्ता बनती है, तो इसलिए हम इसको खस्ता बनाएंगे। मोइन करने का मतलब है कि मैदा और जो ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा अच्छे से मोइन हो गया है मैदा। ये देखिए हम मुट्ठी बांध रहे तो लड्डू जैसा हो रहा है, इसका मतलब हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, हल्का हल्का करके हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हम सेमी सॉफ्ट डो बनाएंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पक करके पानी डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा पानी से ये गीला हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेमी सॉफ्ट डो बनके रेडी है। अब हम 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं, तब हम उसके बाद हम मटरी बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों 10 मिनट हो गया है, अब हम मटरी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हमने इसमें 4 लोई बनाएंगे और इसको हम रोटी की तरह बड़ा, रोटी के जैसा बड़ा बेल लेंगे और इसको काट लेंगे। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने एक गोला लिया है, लोई लिया है और मैं इसको बेल लूंगी, पतला बेल लूंगी, रोटी जैसा बड़ा और पतला बेल लूंगी। ये देखिए दोस्तों मैं इसको तेल से बेल रही हूँ, आप चाहे तो परथन भी लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको बहुत पतला बेल लिया है। ये देखिए नीचे से चकला भी दिख रहा है। हमने इसको पतला इसलिए बेला है ताकि हम इसका डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, वो रोज़ डिज़ाइन है। तो इसमें हम 2-3 पत्तियाँ यही आटे को लेके बनाएंगे, इसलिए हम पतला बेल रहे हैं। और हम अब ऐसे एक ढक्कन लिया है, हम इसको गोल गोल कट कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसको हल्का हल्का बेल भी लेंगे ताकि थोड़ा ये और पतला हो जाए। अब हम सबको फूल बनाएंगे। ये देखिए हम ऐसे रखेंगे। बहुत अच्छा है। ये देखिए हमने 4 छोटे छोटे पूरियों को लिया है, हम ऐसे इसको चिपका देंगे ताकि रोज रोज बनाते समय ये खुले ना, अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे पतला पतला। ये देखिए हमने मोड़ दिया है। अब हम इसको भी अच्छे से गोल गोल घुमा लेंगे ताकि ये भी अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए रोज डिज़ाइन हो गया है, हम ऐसा बीच से इसको काट देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने बीच से इसको कट कर दिया है और अब हम सारी पत्तियों को हल्का हल्का मोड़ देंगे ताकि ये खुल जाए। ये देखिए कितना अच्छा हो गया है। इसमें दो 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 रोज हो गया है। ये देखिए ऐसे ही हम सबको बना लेते हैं। ये देखिए हम फिर से आपको एक बार और बनाना आपको दिखा देते हैं। फिर से हमने 4 छोटी छोटी पूड़ियों को लिया है, हम इसको बीच से ऐसे से अच्छे से चिपका देंगे और इसको पतला पतला मोड़ देंगे।
ये देखिए हमने उसको ऐसे रोल करके कट कर दिया है। अब इसके पत्तियों को खोल देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन बन गया है। इसके पत्तियों को खोल देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन बन गया है। ये देखिए दोस्तों हम इसका अलग से डिजाइन बनाएंगे। हमने वैसे ही बड़ा रोटी जैसा बेल के इसको पतला कर दिया है। अब हम इसको बटरफ्लाई डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए हम ऐसे ऐसे कर देंगे और ऐसे ही हम और को बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने जो बाकी बचे हुए गोले थे उन उसका हमने ऐसे सिंपल सा लंबा लंबा निमकी काट दिया है। अब हम चलिए इसको भाजने चलते हैं। ये देखिए तीनों डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको छानने चलते हैं। हम रोज वाले को तो हल्के आंच पे छानेंगे, इसलिए हम सबसे पहले रोज वाले को छानेंगे। ये देखिए तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है। हम इसमें रख देते हैं सारे रोज को। ये देखिए हमने कम गर्म किया है तेल को ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये देखिए अलट पलट करके हम इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको ऐसे ही तलेंगे। ये देखिए दोस्तों गोल्डन ब्राउन हो गया है। हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमारा एक भी मटरी रोज मटरी खुला नहीं है। ये देखिए हम अब बटरफ्लाई वाला छान रहे हैं। ऐसे ही हम सबको छान लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा तीन डिजाइन का मटरी तैयार है। ये देखिए दोस्तों ये जो रोज है वो थोड़ा सा ज्यादा रेड हो गया है, ब्राउन हो गया है, क्योंकि हमने इसको धीमी आंच पे पकाया है। ये थोड़ा मोटा होता है तो अंदर तक पकता नहीं है, इसलिए हमने इसको थोड़ा ज्यादा लाल किया है। पर कोई बात नहीं, इसका टेस्ट वैसा ही बरकरार है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।